हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. वेलकम टू श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था. अब हम आज क्या कर रहे हैं, 11th और 12th क्वेश्चन करेंगे. ये एक्सरसाइज को क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे. देखो, एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है. नेक्स्ट क्लास में हम डिविजन स्टार्ट करेंगे. अभी भी बुक्स नहीं खरीदने वाले बच्चे, जाग जाओ और बुक्स खरीद लो, ठीक है? देखो, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें यहाँ पे. There are 128 trees in a row of garden. एक गार्डन है, समझ लो. ये क्या है, एक गार्डन है. ये क्या है, एक गार्डन है, ठीक है. तो इसके अंदर एक रोम, ये रोज है, ठीक है. एक रोम में कितने प्लांट्स हैं यहाँ पे, कितने ट्रीज हैं यहाँ पे? 128 ट्रीज है. कितने हैं? 128 ट्रीज है. ये एक गार्डन है, समझ लो, और ये एक रो है. रो बना दो, रो बोला है तो हम रो को इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है. ये एक रो है, तो इसके अंदर कितने गार्डन, कितने ट्रीज है? 128 ट्रीज है. कितने ट्रीज है? 128 ट्रीज है. तो उसने बोला कि हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन 217 रोज इन दैट गार्डन. अगर इस गार्डन में, मैंने तो यहाँ छोटा बनाया है, गार्डन तो बहुत बड़ा होगा, तो ऐसी कितनी रोज है? 217. बहुत सारी रोज है. कितनी है? 217. तो एक रो के अंदर 128 ट्रीज है, तो 217 में कितने ट्रीज होंगे हमें ये बताना है. तो क्या करेंगे अब हम इसके अंदर, देखो, सॉल्यूशन करते हैं. हम क्या करेंगे, ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो. एक रो के अंदर कितने ट्रीज होंगे, कितने ट्रीज हैं यहाँ पे? 128 ट्रीज है. कितने हैं? 128 ट्रीज है, ठीक है. फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन 217 रोज. 217 रोज में कितने होंगे ये पूछा गया है. तो 217 रोज में कितने होंगे ये पूछा गया है यहाँ पे. तो देखो क्या करेंगे हम, एक रो में अगर 128 है तो 217 में कितने होंगे ये पूछा है. एक का दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है. क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन. मैंने आपको आगे के क्वेश्चंस में सिखाया है मल्टीप्लिकेशन करना. तो क्या करोगे आप इसके अंदर, 217 मल्टीप्लाई 128. 217 मल्टीप्लाई 128 क्यों किया हमने मल्टीप्लाई? देखो क्या दे रखा है कि एक रो में कितने ट्रीज है, 128 ट्रीज है. कितने ट्रीज है? 128. तो 217 रोज में कितने होंगे वो हमें निकालना है. तो 217 मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उतने कितने क्या हो जाएंगे आपके, ट्रीज हो जाएंगे. तो ये इसका आपको मल्टीप्लिकेशन खुद से करना है. अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ. 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो सब जने. 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक है ना सबके पास अब, तो बुक में खोलो और पढ़ो. क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन, देयर आर 112 गुआवाज इन अ बास्केट. एक बास्केट के अंदर कितने गुआवाज हैं? एक बास्केट के अंदर कितने गुआवाज हैं? 112 गुआवाज है. गुआवा क्या होता है? एक फ्रूट होता है, ठीक है. हाउ मेनी गुआवाज आर देयर ऑल टुगेदर इन 190 बास्केट. अगर ऐसी 190 बास्केट हो जाए, अगर ऐसी 190 बास्केट हो जाए तो कितने फ्रूट्स होंगे उसके अंदर. अगर मैं बोलूँ आपके पास एक थैली है, ठीक है, उसमें 10 एप्पल है, वैसी ही आपके पास में 10 थैलियाँ है, तो आपके पास में टोटल एप्पल कितने हो जाएंगे? 10 × 10 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे एप्पल आपके पास टोटल. तो इसमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन. एक का दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है, हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो देखो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ गुआवास इन वन बास्केट. एक बास्केट में, इन वन बास्केट कितने थे? 112, ठीक है. फिर
नंबर ऑफ गुआवास इन 190 बास्केट कितनी 190 बास्केट में कितने होंगे, तो क्या कर देंगे हम 190 को 112 से मल्टीप्लाई, 190 को 112 से मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे 112 से मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है देखो, 2 को 0 से किया तो 0, 2 9 जा 18, 18 का 8 और 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3 क्या लगा क्रॉस, 1 इंटू 0 0, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1 क्रॉस, 1 0 जा 0, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 8, 9 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 12, तो 12 का 2 और 1 का गया कैरी में, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 कैरी में, 1 और 1 2, तो आंसर कितना आया 21,280, कितना आया आंसर आपके 21,280। तो 190 बास्केट्स में 21,280 गुआवाज होंगे, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन पूरा। अब आपको क्या करना है, 11th क्वेश्चन में जो मैंने मल्टीप्लिकेशन छोड़ा है वो आपको करना है होमवर्क में, और 11th और 12th क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखना है, नोटबुक में करना है, ठीक है। अब आपको ये काम आज का होमवर्क है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम, थैंक यू।